काम से अम्मी जान। हाँ बेटा। अरे भाभी आप, पता था मुझे कि तुम हमेशा की तरह सिलाई पे बैठी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद मिठाई लाके और अपने हाथ से खिलाऊं तुम्हें। अब भाभी वो दरअसल हाजी साहब की बहू का सूट ना बहुत दिन से रखा हुआ था, सोचा कि आज सी के मुकम्मल कर दूं। खैर मिठाई किस खुशी में? मेरी प्यारी चाची जान, मेरे पास होने की खुशी में। प्लीज आप कुछ ले, थोड़ा सा ले ना। अरे भाई अयान ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, कोई टक्कर का इसके मुकाबले का पूरे खानदान। अयान बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और भाभी आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से हमारा अयान तो बहुत ही लायक बच्चा है। सिर्फ लायक? कैसी बातें करती हो आली, पता नहीं मेरे बेटे की तारीफ करते तुम्हारी जान क्यों जाती। मेरे बेटे के मुकाबले का तो पूरे खानदान में कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले तो कहते हैं कि ये तो इदारे की शान है। भाभी मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, और कसम से मैं यही कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह से बहुत ही होशियार और लायक बच्चा है। मैंने तरबियत ही ऐसी की है अपने बेटे की। भाई सब वालदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर लायक फायक हो जाए। कितनी ट्यूशंस देते हैं, महंगी महंगी कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, जान मारते हैं अपनी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे ने इस तरह की कोई परेशानी नहीं दी मुझे। चची जान वो समाविया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? बेटा उसने एक और ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी है। क्या करें भाभी, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई ना। ठीक कह रही हो आलिया, वो तो अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हें छत मिली हुई है तुम्हारे हिस्से की, लेकिन कमाना तो तुम्हें ही पड़ता है। हमारे मियाँ ने तो मरने से पहले इतना छोड़ दिया कि हमारा गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। अरे अम्मी जान ट्यूशन पढ़ाती है, बेचारी थक जाती होगी, आप समझा करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा। आ गई तुम पढ़ा कर? जी। अरे कब तक इन झमेलों में पड़ी रहोगी, अब हमारे अयान को देखो, मास्टर हो गया आईटी में, उसी से कुछ सीख लो, एक ही घर में रहने का कोई तो फायदा उठाओ। ताई अम्मी इससे मैं क्या सीखूं? ओ लगता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। वैसे जीपीए क्या है? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट आ चुका है और उसी की खुशी में मैं मिठाई लेकर आया हूँ। छोड़ो जीपीए, अब उसमें क्या रखा है। एक मिनट ना, मैं तुम्हें ये चेक करूँ, इस सारी स्किल्स में मैं मास्टर हूँ और इसकी वजह से मेरी कितनी इज्जत है, देखा तुम? हाँ भाई मेरे बेटे के मुकाबले का तो पूरे खानदान में कोई नहीं। मैं तो सारा दिन नजर की दुआएं पढ़ पढ़ कर पूंछती रहती हूँ, मेरे लाल को किसी की नजर ना लग जाए। वैसे अयान मुझे जरा बताना क्या स्किल्स हैं? स्किल्स डेटा कोडिंग, वेब सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, इन सब में मास्टर हूँ मैं, नंबर वन इन क्लास, मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं है। अच्छा अगर ये सच है तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में टॉप करना चाहिए था। खैर बहुत बहुत मुबारक हो, और ताई अम्मी आपको भी। थैंक यू सो मच माय स्वीट कजन। वैसे तुम्हें एक बहुत अच्छा मशवरा दे दूं, यहाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ाने से बेहतर है आईटी स्किल्स में अपने हाथ साफ करो। यार टू मच मनी, पैसा ही पैसा, जिंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी। चची जान आपके भी। बिल्कुल ठीक कह रहा है आयान, आने वाला दौर सिर्फ आईटी का है, उसकी बात को सुनो और समझो, क्योंकि मुफ्त में तो कोई ऐसे मशवरे भी नहीं देता है, मतलब की दुनिया है ये। वैसे ठीक कह रही हैं ताई अम्मी आप, वाकई में बहुत मतलब की दुनिया है, ये बात तो मुझे बाबा की डेथ के बाद अच्छे से समझ आ गई है। अरे अम्मी जान वो मैं दावा तो उसे फ्री हो जाऊं ना, तो आराम से तसल्ली से बैठ के इसे अच्छे मशवरे दूंगा। दावतें? कैसी दावतें? हाँ भाई मेरे बेटे ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, हर एक चाह रहा है कि उसको दावत में बुला ले। मैंने तो कह दिया है किसी को मना मत करना, ऐसा वक्त तो नसीब वालों को नसीब होता है। अरे अम्मी जान प्लीज इतनी तारीफें मत करें, कहीं लोगों की नजर ना लग जाए। चुप रहो, अपने ही तो हैं, अब तुम भी तो पढ़ती हो ना यूनिवर्सिटी में, तुम्हें कौन जानता है कौन पहचानता है।
मेरे बेटे को तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमारे इदारे की शान है ये। खाओगी और मिठाई? कुछ तो सिखाओ इसको। भाभी मैं समझाऊंगी इसे। अच्छा परेशान ना हो आप, मिठाई और खाएं। बस बेटा। अरे चाची जान प्लीज। You are right, my friend. Degree complete, लेकिन मेरा असली मिशन अभी बाकी है। वो ही, हैकिंग वाला। Exactly, तुम मजाक समझ रहे हो। शायद इस शहर के बड़े बड़े हैकर्स में से मैं एक बड़ा हैकर हूँ। बड़ा हुनर है इन हाथों में। ठीक है, मान लेता हूँ। अगर तुम मेरा एक काम करो तो। क्या हो गया रमेश? कई बार तुम्हारे बहुत सारे काम कर चुका हूँ। याद है वो सानी वाला किस्सा? उसका डैड मौला जट, कैसे जान छुड़वाई थी मैंने तुम्हारी उससे। यार वो तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन इस बार मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ यार। एक्चुअली मेरे घर वाले इस साल के आखिर में मेरी शादी करना चाहते हैं यार। तो बहुत अच्छा है रमेश, तो कर लो ना शादी। वैसे भी तुम्हारी मंगनी को शायद 2.5 साल हो चुके हैं। वो तो सब कुछ ठीक है यार, लेकिन मैं हरीम से शादी करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह तसल्ली करना चाहता हूँ यार। मैंने सुना है कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, और यार मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहता यार। तो मत करो शादी, साफ साफ इनकार कर दो अपने घर वालों को, तुम्हें शादी नहीं करनी। यार इतना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। तुम बस ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बस ये पता करके बताओ कि वो कहाँ जाती है, किससे बात करती है। बस कुछ लेकर आओ मेरे लिए। तुम चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? Yes, exactly. मैं यही चाहता हूँ। तुम बस हरीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दे दो। वो फोन पे किससे बात करती है, कहाँ जाती है, किससे मुलाकात करने जाती है, ये सब कुछ हो जाएगा मेरी जान। You don't have to worry. हरीम का सारा रिकॉर्ड तुम्हारे हाथ में होगा। समीर मैंने नंबर और तमाम डिटेल तुम्हें भेज दी है, तुम्हें मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी है। सोशल मीडिया अकाउंट का डेटा भी? नहीं 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 नहीं, जो चीजें मैंने भेजी हैं उन पर फोकस करो। और हाँ, शायद मैं तुम्हें रमेश से मिलवाऊं ताकि मेरे नंबर बढ़ जाए। लेकिन रबेल वाले केस का बकाया अभी भी तुम्हारी तरफ रहता है। मेहनत सारी मेरी होती है और प्रॉफिट ज्यादा तुम ले जाते हो। हालांकि मेरा काम ज्यादा मुश्किल है। जरा सोचो, अगर ये बात खुल गई कि मैं तुम्हें कंपनी के कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैर कानूनी तौर पे दे रहा हूँ, तो मेरी तो जॉब के साथ इज्जत भी गई। तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा जुर्म है, मैं कितना रिस्क लेके ये सब काम करता हूँ। तुम्हें मेरा हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। समीर एक तो तुम फौरन नाराज हो जाते हो। I truly understand, ज्यादा काम तुम्हारा होता है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं, सारा काम मेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, मैं कुछ पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, आने वाले दिनों में मैं और क्लाइंट्स भी लाऊंगा और ज्यादा मार्जिन दूंगा तुम्हें। ओके? यकीन करो तुम एक हैकर से ज्यादा एक ब्लैक मेलर हो। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हो। माय लव, शायद तुम भूल रहे हो, तुम भी मेरे साथ यही काम करते हो। फौरन से इस टारगेट पे लग जाओ, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। एंड यू नो व्हाट, लड़की ज्यादा पैसा देगी हमें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और प्लीज इस काम को सीरियस होके करना, डू नॉट फॉरगेट। ओके? चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इसका तो बहुत दिमाग खराब हो गया, मुझे कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। जब तुम्हारी मेरे पास कॉल आई तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया, सुबह मैं खाना भी खा रहा था। अब तुम फोन पे कुछ कह रहे थे कि सब कुछ ओके है। यार प्लीज जल्दी बताना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। यार सुकून रख भाई मेरे, जब मैंने एक बार बोल दिया ओके है तो इसका मतलब है वाकई में ओके है, सब कुछ ओके है। तुमने मुझसे हरीम भाभी की इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना?
ये लो, ये रखो। थैंक यू सो मच यार। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ तुम इतना जल्दी कर दोगे। रमेश, तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए थे, तुम बहुत ज्यादा अपसेट थे मुझसे, देखा नहीं किया। यू नो व्हाट, दिन रात एक करके मैंने ये सारा डेटा जमा किया। थैंक यू यार, तुमने अपनी दोस्ती खूब निभाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ और फौरन हरीम भाभी के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और वैसे भी साल खत्म होने पर आया है, हमारी होने वाली भाभी बहुत ही अच्छी है, उनकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। नो वन, आई एम श्योर। बहुत लकी हो तुम सच में। और एक और बात, दूल्हा और दुल्हन वाली जो गाड़ी होती है ना, वो मैं खुद चलाऊंगा। एक और बात, खबरदार, तुमने अगर हमारी होने वाली भाभी को कभी तंग किया, उन पे शक किया, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी यार, वरना आने से पहले मैं बहुत ही डरा हुआ था। एक्चुअली हरीम पापा की बिजनेस पार्टनर की बेटी है और मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शादी हम दोनों की फैमिली के लिए एक मजबूरी ही है। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और सच बताऊँ तो मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा। हरीम के साथ मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरे आई एम श्योर। एंड यार ये लो, रख लो थोड़े पैसे। अरे नहीं यार, रहने दे यार। अरे अच्छा, तुम कहते हो तो रख लेता हूँ। तुम्हें पता तुम्हारा काम मैंने पैसों के लिए नहीं, मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरा वक्त, मेरे पैसे, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और तुम्हारा काम, दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेशक, बस असल मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बहुत जल्द मिलता है, ठीक है? ओके, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। हाँ रमीज, बाय बाय। बेचारा कितनी आसानी से बेवकूफ बन गया, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बोल तो चुका हूं मैं कितनी बार, मैंने उस बेवकूफ को 100% मुतमैन कर लिया है, अब वो शादी से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। यस ऑफ कोर्स आई नो, मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे पैसे कल शाम तक बैंक में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। जो डेटा मुझे रमीज को देना था वो मैं दे चुका हूँ, और जो तुम्हारा डेटा है वो अभी तक मेरे पास सेफ्ड है। अरे हाँ ना, मैंने कहा तो, जैसे ही पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे मैं डेटा डिलीट कर दूँगा, प्रॉमिस। देखो मैडम, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठा काम मैं करता नहीं और झूठे आसरे किसी को देता नहीं। ओके मिस हरी, बाय बाय। मैं झूठ नहीं बोलता। आलिया, अरे भाई आ भी जाओ, मेरा तो गला ही खुश्क हो गया। जी भाभी, जी भाभी, कोई काम था जो आपने बुलाया? अरे भाई पुकार पुकार के मेरा तो गला ही खुश्क हो गया। खैर छोड़ो, ये देखो तुम दोनों के लिए लाई, देखो। ताई अम्मी, ये कपड़े किस लिए? भाई मेरे अयान की मुल्क की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जॉब हो गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि अपने खानदान के यतीम और मिस्कीन लोगों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, तुम लोग के लिए लेकर आई। क्या ताई अम्मी, आईटी कंपनी? हाँ,
तुम तो ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो जैसे नामुमकिन सी बात। अरे बहुत काबिल है मेरा बेटा, माशाल्लाह कहो, और इतनी बड़ी कंपनी ही उसको सूट करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह यान को ऐसी हजारों कामयाबियां नसीब करे। आमीन। भाई इस मौके पे हमने सोचा कि एक बड़ी सी दावत रखते हैं। अब तुम दोनों यही सिलवा के पहन कर आना। जी ठीक है। अरे अरे रुको ना रुको, कम से कम चाय तो पी के जाओ ना बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया ढंग से। आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, ऐसे खाली पेट चली जाओगी क्या? लो शाबाश। अरे अम्मी खुशी की वजह से ना मेरी भूख प्यास दोनों मर गई है, मैं वापस आकर ना आपके साथ पेट भरकर खाना खाऊंगी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपकी खुशी के लिए ना मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे बेटा मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कल की तो बात थी। नुसरत भाभी कैसे आई थी ना अयान की नौकरी का बताने के लिए, खुशी से फूले नहीं समा रही थी, बहुत खुश होकर बता रही थी। और देखो आज अल्लाह ने मुझे भी वो दिन दिखा दिया, तुम्हारी नौकरी अयान से भी बड़ी कंपनी में हुई है। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, वरना इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के तो ख्वाब ही देखते हैं। नहीं मेरी जान, तुमने मेहनत भी तो बहुत की है। अच्छा ये बताओ कि नुसरत भाभी को क्यों नहीं बताया तुमने अभी तक, और तो और सरप्राइज के चक्कर में मुझे भी मना कर दिया तुमने। देखो वो अपनी ना छोटी से छोटी खुशी भी हमें आके बताती है, हमारे साथ बांटती है अपनी खुशी, तुम्हें भी उन्हें बताना चाहिए था ना बेटा, ऐसा नहीं करते। शाबाश उन्हें बताओ। अरे मेरी प्यारी भोली अम्मी, वो हमसे खुशियां नहीं बांटती बल्कि दिखावा करती हैं, हम पर रोब डालती हैं, हमें नीचा दिखाती हैं। अभी मैं ऑफिस जाऊंगी ना तो जाते हुए तायमी और अयान को बताकर जाऊंगी कि मुझे भी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, वरना ये दोनों तो बस यही समझते हैं कि पूरी दुनिया में इन जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, और सुनो ऐसी बातें दिल में नहीं रखते बेटा, दफा कर भूल जाओ हा? और जाओ जाके अपनी जरा ताई अम्मी को बताओ, हाँ मैं मिठाई तो लेकर आऊँ। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हे अल्लाह खैर, क्या कर रहे हैं आप, किया क्या है मेरे बेटे ने, इस तरह आप नहीं लगा सकते उसको हाथ कड़ी, छोड़े उसे, बताते क्यों नहीं क्या किया है उसने। अम्मा नहीं, कानून के रास्ते में रुकावट मत डालें। अरे लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप, आखिर हमें पता तो चले कि अयान ने जुर्म क्या किया है, ये तो हमारे खानदान का सबसे नेक और शरीफ बच्चा है। जुर्म करने से पहले सब यही कहते हैं। चल भाई तेरे को ड्राइंग रूम की सैर करा के आते हैं। एक मिनट पहले आप हमें ये तो बताएं कि अयान को इस तरह क्यों अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा तो अपने काम से काम रखने वाला, नहीं इसे कुछ नहीं कह सकते आप। साइबर एक्ट के तहत लोगों को डराने धमकाने और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में इसके ऊपर 4 FIR कट चुकी हैं। बताते क्यों नहीं हो, कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने, तुम बताते क्यों नहीं, तो सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, इसे कोई जरूरत नहीं है इतने दो नंबर काम करने की। ये बड़ी तो क्या, किसी भी IT कंपनी में काम नहीं करता। ये लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमाता है, और इसके साथ एक दोस्त और भी शामिल है। हर बशर है, लेके चलो इसे। नहीं 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 नहीं, छोड़े मेरे बेटे को, नहीं ले भागो मेरे बच्चे, मेरा बच्चा। आराम से संभाले खुद को भाभी। अभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अयान की सारी हरकतें आपसे छुपी कैसे रह गई। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी भाभी, आपने मेरी एक नहीं सुनी।
ये तो वही था ना ताई अम्मी, सही कह रही हो आर्यन, मेरे बेटे ने दिखा भी की ऐसी पट्टी मेरी आंखों पे बांध ली, मुझे कुछ नजर नहीं आ, क्या हो गया क्या? अल्लाह बेहतर करने वाला है भाभी, ठीक हो जाएगा सब। आप अल्लाह से दुआ करो, वो सबकी सुनता है। मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना मेरे मालिक, और परेशानी से दूर रखना। सब ठीक हो जाएगा, पर संभाले आप अपने आप को, संभाले बाबा।